हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड ईद मुबारक टू ऑल। और जो ये व्लॉग है वो ईद का है, सेकंड ईद जो थी वो सेकंड ईद का ये व्लॉग है जो कि अभी टाइम मिला है अपलोड करने के लिए। और हम जो हैं वो जा रहे हैं दो दरिया के पास जो रेस्टोरेंट है कबाब जी, सो हम वहाँ जा रहे हैं। सो ये कुछ व्यूज़ या कि कुछ दो दरिया की होटल्स आएंगी जो कि आपको सामने दिखेंगी। देन हम जो वहाँ कबाब जी पहुँच कर अपना व्लॉग स्टार्ट करेंगे, सो मेरे साथ रहेगा। यहाँ की जो दो दरिया पर होटल्स हैं वो दरिया के जो पास ही हैं, जो कि सेम टू सेम ही मुझे तो लगती है। बाकी जो दूसरी याद पीछे गई वो भी एक जैसी ही थी। अभी जो हम जा रहे हैं कबाब जी में और उसके बराबर में जो है वो भी सेम ही है। तो चलो मैं आप लोग को वहाँ जाके दिखाती हूँ। सो गाइस, सामने जो आप लोग को दिख रही है ये है कबाब जी रेस्टोरेंट जहाँ पे हमें जाना था होटल में, जिस तो वो आपको दिख रही है सामने। तो चलते हैं अंदर। आते ही यहाँ के व्यूज लेने में मसरूफ हो गई थी, यहाँ की कैप्चर कर रही थी पिक्चर्स वीडियो वगैरह आप लोग के साथ शेयर करने के लिए, जो कि मैंने आपको आगे दिखा दी, जो कि आपके मोबाइल या आप जहाँ भी देख रहे हैं लैपटॉप वगैरह जो भी वहाँ पे आप लोग को शो हुई होगी। तो यहाँ की कुछ व्यूज थे। और यहाँ पर अब हम वेट कर रहे हैं अंदर, मतलब के जाने के लिए वेट करना पड़ता है क्योंकि अभी यहाँ पे आए हुए हैं, ईद का मौका है और बहुत ज़्यादा रश है कि तकरीबन एक या डेढ़ घंटा तो यहाँ पर वेट करना पड़ेगा, फिर जाके ट्रेन आएगी। सो यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं और फिर जाएंगे अंदर। सबसे मैं अंदर आपको होटल के अंदर जाके वहाँ का व्यू दिखाऊंगी, ये तो सिर्फ बाहर का था। तो वेट करते हैं और फिर चलते हैं अंदर की तरफ। ए, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। यस, तो ये है सेकंड फ्लोर और अभी हम जा रहे हैं, तकरीबन हमारा टाइम हो गया और अब हम जा रहे हैं फाइनली। तो ये है सेकंड फ्लोर और जो हमें जो जगह मिली थी वो टॉप की थी, तो हम टॉप पर जा रहे हैं। वैसे तो लिफ्ट है यहाँ पर जो कि मैं लिफ्ट में गई बाद में, पर अभी जो है सीढ़ियों से ही जाना था क्योंकि मुझे एक एक व्यू यहाँ का कैप्चर करना था, यहाँ आप लोग के साथ शेयर करना था, तो उस वजह से। और जो हमें जो सीट चाहिए थी ना वो हमको कॉर्नर में चाहिए थी क्योंकि कॉर्नर की सीट अच्छी होती हैं, बीच की मज़ा नहीं आता है, कॉर्नर में चाहिए थी हमको। बिकॉज वहाँ से जो सी साइड है, जो दो दरिया है वो हमें नजर आए, लाइक दरिया जो होता है वो।
अभी ये जो नीचे इतने सारे लोग हैं ये सब वेटिंग पर हैं, और ये जो आपके सामने है ये टॉप का व्यू है यहाँ होटल का। तो अब हम सिलेक्ट करते हैं कि खाना क्या है, सो डिसाइड कर रहे हैं। जब तक खाना भी आएगा, और खाना खाने के बाद मैं नीचे जाऊंगी ग्राउंड पर, और ग्राउंड से वहां का व्यू दिखाऊंगी। सो देखते ही रहे, और अगर यार चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दे, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, कमेंट करें। आप लोग के लाइक कमेंट की वजह से ही मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है। सो इतना तो काम कर लें आप लोग। तो यहाँ पे हमारा डिनर आ चुका था, और डिनर करने के बाद जैसा कि मैंने कहा कि मैं आप लोग को नीचे जाके ग्राउंड में यहाँ का व्यू दिखाऊंगी, तो नीचे चलते हैं और वहाँ का मैं सारा व्यू आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। सो लेट्स गो। और गाइस ये जो है हम यहाँ पे खड़े हुए थे तो हमें यहाँ पे फिशेस नजर आई जो कि बहुत सारी हैं, अनलिमिटेड फिशेस है यहाँ पर, अनलिमिटेड। अब इस फिश को कहते क्या है मुझे नाम याद नहीं आ रहा, बट जो लंबी लंबी सी होती है, स्मार्ट सी होती है, बहुत स्मार्ट फिशेस, पता नहीं क्या कहते हैं उसे, आई डोंट नो, पर बहुत सारी थी यहाँ पर। और लोग यहाँ पे खाना खिला रहे थे तो बहुत ज्यादा आ रही थी, अनलिमिटेड थी कि बस बहुत ज्यादा थी, जो कि आपको दिखेंगी, दिख रही है, देख रहे हैं। तो ये आप लोग को नजर आ रही है ना, ये स्मार्ट फिशेस है ना, स्मार्ट फिशेस, लंबी सी स्मार्ट सी फिशेस जो कि बहुत है, अनलिमिटेड। देखें आपको दी देखें, अब मैंने तो कैमरे को जूम किया है ताकि दिखे, और बिल्कुल होटल के नीचे ही थी, मतलब कि बिल्कुल कड़ी भी थी, इतना दूर नहीं थी, सो नज़र आ रही थी। और जो दूर थी ना वो कैमरे में ज़्यादा कैप्चर नहीं हुई, पर ये करीब वाली थी जो कि बहुत साफ वाजे हो रही है, जो कि आप लोग के सामने है और बहुत ज़्यादा है। अगर चाहिए आप लोग का फिशेस तो यहाँ से जाके आप खुद ही फिशेस बस ले सकते हैं, मजाक कर लें। सो गाइस ये यहाँ का व्यू है जो कि आप लोग को नज़र आ रहा है, ये हम ग्राउंड में है, ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, और यहाँ पे टॉप है, जो कि टॉप से अब नीचे आ गए हैं हम लोग। मुझे आप लोग को दिखाना था तो इस वजह से मैं नीचे आई हुई हूँ, और यहाँ से फिर निकलेंगे बाहर। ये सारी ग्राउंड की, ग्राउंड जो है वो इस तरह का बना हुआ है, और जो ऊपर फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर था वो तो इस तरह नहीं था, पर ये जो ग्राउंड है वो इस तरह से बना हुआ है, जो कि आप लोग के सामने है। और अब हम निकल रहे हैं बाहर, और बाहर भी अब जाके अभी भी देखें कि इतनी रश है, अभी भी लोग आ रहे हैं, जबकि ये टाइम हो रहा था कम अज कम आई थिंक 9 बज रहे थे, पर रश तो थी, कम नहीं हो रही थी बल्कि और हो रही थी, लोग इस टाइम पे ज्यादातर आ रहे थे। हम जल्दी निकले थे पर फिर भी रात हो गई थी हमें पहुंचते पहुंचते। तो ये कुछ एंड वीडियो बनाते हुए निकलते हैं यहाँ से। ईद मुबारक, कौन सा गेट, ईद मुबारक। यहाँ पर वैसे कबाब जीस लिखा होता है, बट ईद स्पेशल था, ईद के दिन थे तो उस वजह से ईद मुबारक लिखा हुआ है। सो कुछ खाने के लिए रात में लिया था, क्योंकि रात को ज़्यादा भूख लगती है, ये तो है भाई, हमें तो लगती है, बाकी को नहीं पता। तो लेकर अब निकलते हैं बाहर, और ये है पान, जो कि यहाँ पर पान जो था वो 80 रुपीज़ का था, ठीक था, महंगा नहीं था, सही है 80 रुपीज़ का। वैसे भी हर चीज़ ही महंगी हो गई है, और खाने में टेस्टी था, अच्छा था, छोटा सा था पर अच्छा था। सो गाइस यहाँ पर मेरा ब्लॉग एंड होता है, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आप लोग जाने चाहते हैं कबाब जीस तो ज़रूर जाएँ, विज़िट करें। ईद के दिन थे इस वजह से रश था, इसलिए ज़्यादा वेट करना पड़ा। सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द ही, जो कि रेडी है, बस अपलोड करना है।
मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसी तरह सपोर्ट करते रहें, मुझे आप लोग की सपोर्ट की नीड है। सो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, टेक केयर।